Today we are going to learn counting. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे counting. लेकिन आज हम counting को नए तरीके से, interesting तरीके से सीखेंगे. Okay? तो सबसे पहले आपके parents से बात कर लेते हैं कि उनको आपके लिए activity बनाने के लिए क्या करना है. Okay? देखिए आपके parents को चाहिए एक white paper या कोई भी paper, आपका rough paper भी हो सकता है, लेकिन वो blank होना चाहिए. रफ कॉपी का पेज या कोई भी ऐसे शीट. और क्या करना है, सीजर की हेल्प से ऐसे इन पेपर के कटिंग्स ले लेनी है और उन कटिंग्स में आपके पेरेंट्स को स्केच से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 0. और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी मैं आपको बताती हूँ. आपने पेपर लिया, उसकी स्ट्रिप्स बना ली. आप देखिए आपको इन स्ट्रिप्स से क्या करना है, आपको एक पेपर और लेना है. उस पेपर में आपको देखिए ऐसे मैंने कट कर लिया है, दो कट लगा लिए ये देखिए, इससे मेरी उंगलियां जा सकती है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ. अब इस पे हम क्या करेंगे, अपने ये जो हमने कटिंग ली है इनको डालेंगे. ये देखिए ये मैंने डाल ली, ये एक शीट मेरी चल गई. अब मैं इन दोनों को चिपका लूंगी. पेपर में नंबर्स लिखे थे, इनको हम चिपका लेंगे. आप कितने बनाने हैं, आज हम 50 तक की काउंटिंग कर रहे हैं, तो आपने 6 बनाने होंगे. एक आपकी जो शीट है वो यहाँ जाएगी 0 तक की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. और जो 5 बचेंगी आपकी, वो आप ऐसे जोड़ के लंबी से स्ट्रिप्स बना लेंगे और उनको आप यहाँ पे इंसर्ट करके अपने बच्चे को देंगे. ये देखिए इजीली आप ऐसे कट करेंगे तो इसमें चला जाएगा. ये देखिए अब इससे हमें क्या करना है, अपने बच्चे को आज एक्टिविटी से करानी है. सो किड्स, आज ये हमारी एक्टिविटी है काउंटिंग की. हम काउंटिंग करना सीखेंगे इससे जो हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल है उससे. ओके, देखिए अब क्या करना है काउंटिंग में. सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर 1 नंबर. फिर इसको हम अपनी जो सेकेंड स्ट्रिप है इसको मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, नंबर 2, नंबर 2 आ गया. देन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से अपनी फर्स्ट स्ट्रिप को हिलाएंगे. देखिए जब मैं अपनी फर्स्ट स्ट्रिप को मूव करूँगी तो क्या आएगा, 1. अब क्या बन जाएगा, 1 and 0. आप बताइए क्या बनेगा, 1 and 0 बनेगा 10. वेरी गुड, 1, 0, 10. अब फिर हम इसको नहीं मूव करेंगे फर्स्ट स्ट्रिप को, हम सेकेंड स्ट्रिप को मूव करेंगे. 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19. आप क्या करेंगे, 19 के बाद 0. अब हम अपनी फर्स्ट स्ट्रिप को मूव करेंगे. ये देखिए, ये देखिए नंबर 2 आ गया. नंबर 2, 2, 0, 20, 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, and 0. अब क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट ट्रिप को मूव करेंगे. उसके बाद 3. अब देखिए क्या बन गया, 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, 3, 4, 34, 3, 5, 35, 3, 6, 37, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, 0, 40, 40,
4, 1, 41. 4, 2, 42. 4, 3, 43. 4, 4, 44. 4, 5, 45. 4, 6, 46. 4, 7, 47. 4, 8, 48. 4, 9, 49. 0. अब अपनी फर्स्ट स्टेप को मूव करेंगे. 4 के बाद क्या आता है? 5. तो देखिए अब हमारा क्या बन गया? 5, 0, 50. आज हम 50 तक ही कर रहे हैं. आप चाहे तो उसे 100 तक भी कर सकते हैं. देखिए अब इस वर्स काउंटिंग सीख सकते हैं हम इस एक्टिविटी से. कैसे? 5, 0 कितना होता है? 5, 0, 50. अब हम इसको वापस उल्टा करेंगे. जैसे हम आगे बढ़ा रहे थे ना 4 के बाद 5, अब वैसे हम ऊपर ले जाएंगे इसको, उल्टा करेंगे. 4, 4, 9, 49. 4, 8, 48. 4, 7, 47. 4, 6, 46. 4, 5, 45. 4, 4, 44. 4, 3, 43. 4, 4, 4, 2, 42. 4, 1, 41. फिर आया 0. अब फिर और उल्टा हम ऊपर को लेके जाएंगे इसको, तो क्या होगा? 3, 3, 0, 30. ऐसे ही 39, 38, 37, 36. सो किड्स, आपको एक्टिविटी कैसी लगी? आई होप आप सबको एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और आप इससे दोनों काउंटिंग सीख सकते हैं, नॉर्मल काउंटिंग भी और रिवर्स काउंटिंग भी. आप इसको बनाइए और अपने डेली पढ़ाई के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे आप लर्निंग विद फन, खेल खेल में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं. ओके, आई होप यू ऑल विल एंजॉय योर एक्टिविटी. Ha 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 ha!